गुड मॉर्निंग 8th क्लास। हम चैप्टर 6 कर रहे थे। चैप्टर का नेम था हमारा मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में हम ने यहाँ तक रीड कर लिया था। उसके बाद क्या है मूवी मेकर, कि मूवी मेकर क्या होता है, हम मूवी कैसे बनाते हैं। इसके लिए है यू कैन इंपोर्ट फोटोज़ एंड वीडियोज़ फ्रॉम मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमरा एंड डिवाइसेस टू योर पीसी यूजिंग मूवी मेकर। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अपनी पिक्चर्स क्लिक करते हैं, वीडियो बनाते हैं, फिर हम उसको किसमें अपने किसी भी कैमरा से जो हम फोटो क्लिक करी है वो कैमरा को अटैच करके अपनी डिवाइस जो है हमारी पीसी जो है उसके साथ हम उसको अटैच करके मूवी मेकर की हेल्प से हम अपनी मूवी बना सकते हैं। व्हेन यू इंपोर्ट फोटो एंड वीडियो दे आर कॉपीड फ्रॉम द कैमरा और डिवाइस टू योर पीसी। जो जो हमने फ़ोटो क्लिक करी है अपने कैमरा से हम उसके अपने कैमरा को अटैच करेंगे अपने पीसी से और उसको ट्रांसफ़र कर देंगे अपने पीसी में। दैट यू कैन यूज़ दैम इन यूर मूवी इन मूवी मेकर एंड दे विल अपियर इन फोटो गैलरी टू। हमें गैलरी में हमारी फ़ोटोज जो आ जाती हैं और उसको हम मूवी मेकर में डाल सकते हैं, उससे हम अपनी मूवी बना सकते हैं। हेयर आर सम डिवाइसेज दैट यू माइट इम्पोर्ट फोटो और वीडियोज़ फ्रॉम। यहाँ पे कुछ और डिवाइसेज हैं जिसकी हेल्प से हम अब फोटोज़ को अपनी वीडियोज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कहाँ पे, अपने पीसी में। ए डिजिटल कैमरा और फ़ोन दैट कनेक्टेड टू योर पीसी विद ए यूएसबी केबल। यूएसबी केबल की हेल्प से हम अपने डिजिटल कैमरा को कनेक्ट कर सकते हैं अपने पीसी से, अपने कंप्यूटर से। ए सिक्योर डिजिटल एसडी, मिनी एसडी और कॉम्पैक्ट फ्लैश स्टोरेज कार्ड दैट इज़ इन कार्ड रीडर। कार्ड रीडर होता है जिससे हम अपने कार्ड को रीड कर सकते हैं। हम उसको भी अटैच करके अपने फ़ोटोज़ को, अपने वीडियोज़ को अपने पीसी में डाल सकते हैं। एक डाटा सीडी और डीवीडी, एक डीवीडी से और सीडी से भी हम अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ को अपने कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं। ए वीडियो कैमरा दैट रिकॉर्ड टू एन इंटरनल हार्ड ड्राइव और फ्लैश स्टोरेज हार्ड। और वीडियो कैमरा की हेल्प से भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर का जो वीडियो कैमरा होता है, उसकी हेल्प से भी हम अपनी फ़ोटोज़ और अपनी वीडियो को भी स्टोर कर सकते हैं। ए वीडियो टैप दैट इन ए डिजिटल वीडियो कैमरा और हाई डेफिनेशन वीडियो कैमरा, इससे भी हम अपनी पिक्चर्स जो हैं वो अपने पीसी के अंदर डाल सकते हैं। किसके लिए, मूवी मेकर के लिए, मूवी हम बनाने के लिए। इफ़ यू हैव ए वेब कैम, अगर आपके पास वेब कैम है बिल्ट इन टू योर पीसी, आपके पीसी में है और कनेक्टेड टू योर पीसी विद ए यूएसबी केबल, यूएसबी की केबल से अगर आपके के पास से वेब कैम कनेक्ट है, यू कैन रिकॉर्ड लाइव वीडियो फ्रॉम ए वेब कैम एंड एड इट टू ए मूवी मेकर। आप लाइव भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप वेब कैमरा की हेल्प से, लाइव रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं मूवी मेकर में। यू यूज़ विंडोज़ मूवी मेकर, आप किसको यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ मूवी मेकर को। यू हैव टू डाउनलोड, और क्या कर सकते हो आप, डाउनलोड भी कर सकते हैं, इंस्टॉल भी कर सकते हो। सॉफ्टवेयर कहाँ से, माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट, वेबसाइट से हम इसको मूवी मेकर को डाउनलोड भी कर सकते हैं और हम वीडियो मूवी मेकर भी यूज़ कर सकते हैं। वीडियो मूवी मेकर 12 इज इंक्लूडिंग माई विंडोज असेंशियल 2012 सॉफ्टवेयर, द वेबसाइट लिंक इज़ गिवन बिलो। ये देखो, ये हमें क्या लिंक दे रखा है, किसका, मूवी मेकर का। हम इस लिंक से भी अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं मूवी मेकर। उसके बाद ये देखो, आफ्टर यूजफुल इंस्टॉलेशन, हमने इंस्टॉल किया था तो हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। मूवी मेकर विल कम इन प्रोग्रेस प्रोग्राम लिस्ट एज शोन बिलो, हमारे प्रोग्राम लिस्ट में जो है आ गया है मूवी मेकर, हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है। ये है हमारा मूवी मेकर। उसके बाद है इंसर्टिंग इमेज, इमेज कैसे इंसर्ट करेंगे। द फर्स्ट स्टेप टू मेकिंग ए मूवी इन मूवी मेकर, मूवी मेकर में मूवी बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, कि हम पिक्चर्स को इंसर्ट करेंगे एंड ऐड एंड वीडियोज़ एंड फोटोज़, फोटोज़ और वीडियोज़ को भी हम ऐड करेंगे। देयर आर अ फ्यू डिफरेंट वे टू ऐड दैम, यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं जिससे हम अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को ऐड कर सकते हैं मूवी मेकर में। इन मूवी मेकर ऑन द होम टैब इन द ऐड ग्रुप क्लिक ऐड वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़, मूवी मेकर के अंदर होम टैब पे जाएंगे, ऐड ग्रुप पे क्लिक करेंगे और वहाँ से हम
वीडियोज़ और फोटो को ऐड कर देंगे। इन द ऐड वीडियो एंड फोटो डायलॉग बॉक्स ओपन द फोल्डर दैट कंटेन द फोटोज़ और वीडियो दैट यू वॉन्ट टू ऐड। सेलेक्ट द वीडियो फाइल एंड फोटो एंड देन क्लिक ओपन। ऐड करने के बाद हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो है वो ओपन हो जाएंगी। उसके बाद है सेटिंग टाइमलाइन। हम टाइमलाइन सेट करेंगे फॉर डिफरेंट इमेजेस। यू कैन सेट द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच इट कैन डिस्प्ले। एक पिक्चर जो हमने फोटोज़ ऐड करी हैं उसके लिए हम टाइम सेट करेंगे कि ये पिक्चर इतने टाइम के लिए हमें शो हो, उसके बाद उसका टाइम फिनिश होने के बाद हमें दूसरी पिक्चर जो शो हो इसके लिए हम टाइम सेट करेंगे। यहाँ से एडिट टैब पे जाएंगे, एडजस्ट ग्रुप करेंगे, ड्यूरेशन उसका टाइम डालेंगे और ड्यूरेशन की इमेज कितने टाइम तक रहे वो टाइम हम ड्यूरेशन यहाँ पे डालेंगे, तो उससे हमारी इमेज जो है उतने टाइम तक हमें दिखाई देगी। पब्लिशिंग मूवी। मूवी को कैसे पब्लिश करेंगे। आफ्टर यू हैव डन एडिटिंग योर प्रोजेक्ट इन मूवी मेकर। एडिटिंग करने के बाद मूवी मेकर में यू कैन शेयर योर मूवी विद फैमिली एंड फ्रेंड्स बाय पब्लिशिंग इट ऑन द वेब। उसको क्रिएट करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, मूवी को अपनी मूवी को हम फैमिली को भी दिखा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी दिखा सकते हैं पब्लिशिंग करने के लिए वेब पे। टू पब्लिश ए मूवी ऑन द वेब फ्रॉम मूवी मेकर। मूवी मेकर से हम कैसे पब्लिश करेंगे वेब पे अपनी मूवी को। ओपन ऑन होम टैब पे हम जाएंगे, शेयरिंग ग्रुप करेंगे, क्लिक द वेबसाइट वेयर यू वांट टू पब्लिश योर मूवी। उस वेबसाइट पे हम क्लिक करेंगे जहाँ पे हम अपनी मूवी को पब्लिश करना चाहते हैं। एंटर योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालेंगे एंड देन फॉलो द स्टेप्स टू पब्लिश योर मूवी। और अल्टरनेटिवली यू कैन सेव योर मूवी इन योर कंप्यूटर बाय हैविंग मैनी इनबिल्ट फॉर्मेट यूजिंग सेव ऑप्शन इन द होम टैब। होम टैब में जो जो ऑप्शन है उनसे भी हम अपनी मूवी को पब्लिश कर सकते हैं, शो कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। इस चैप्टर को हमने अच्छे से रीड करना है और वीडियो की हेल्प से समझना है।